मैं उत्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विपक्ष से छोड़ी बीजेपी विरोध की उम्मीद, लॉन्च करेंगे नई राष्ट्रीय पार्टी। छत्तीसगढ़ में कोयला चोरी के वायरल वीडियो पर सियासत, रमन सिंह बोले ईंट से ईंट बचा देंगे, सीएम भूपेश ने कहा फर्क नहीं पड़ता। भोपाल ब्लेड हमले में 118 टाके वाली पीड़िता से बोले सीएम मैं हूं ना, कठोर एक्शन लेंगे। और भोपाल में आरोपियों के घर चला गया बुलडोजर। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक बोले सिर्फ कुछ लोग मालदार हो रहे, कहा किसानों और सरकारों में भयंकर लड़ाई होगी, मैं खुद मैदान में उतरूंगा। भाजपा सरकार रावण, राहुल गांधी हमारे राम, कांग्रेस नेता की पेशी से पहले सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता। गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा 144 लागू, पब्लिक प्लेस पर ईंट के टुकड़े भी इकट्ठा नहीं कर सकते। कानपुर में प्रेमी संग भागी प्रेमिका, लड़की के परिजनों ने पीट पीट कर कर दी युवक की हत्या, शव को नाले में फेंका। पथरियों की पुलिस ने जारी की फोटो, अंबेडकर नगर शहर के चौराहे पर लगाई गई फोटो, पत्थरबाजी करने वालों पर पुलिस कस रही शिकंजा। सहारनपुर बवाल से एक घंटे पहले छपे थे नूपुर के पोस्टर, 50 पोस्टर के लिए 650 रुपए रेट तय हुआ। शेखपुरा की दीवारों पर लगे थे भड़काऊ पोस्टर। पत्थरबाजी पर मोदी के मंत्री वर्मा बोले दंगाइयों को सबक सिखा रहा बुलडोजर, ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। नूपुर के विरोध में अब कुवैत में बवाल, पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रवासियों का प्रदर्शन, सरकार ने दिया गिरफ्तारी का आदेश। ट्रंप कार्ड के सामने बाइडेन कमजोर, राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी में अप्रूवल रेटिंग 9% गिरी, 2024 के लिए नए चेहरे की तलाश। पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में बांग्लादेश ने कहा यह भारत का अंदरूनी मसला, हम कोई उकसाने वाला काम नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पर नया खतरा, 2000 किलोमीटर दूर चीन से सोलोमन आइलैंड में पुलिस ट्रेनिंग शुरू की, सीक्रेट डील पर अमल शुरू। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले बंद करे बीजिंग की पाक सेना प्रमुख, बाजवा को चेतावनी। दक्षिण अफ्रीका ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, कटकी टी20 में टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया, 17 हार से बौखलाया। अफगानिस्तान एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों से की मारपीट, टीम इंडिया ने शिकायत नहीं की। रेप केस में रोनाल्डो को मिली बड़ी राहत, 2009 में लगे आरोप में हुई बरी, मॉडल ने कहा था पहले होटल में हमला किया फिर रेप किया। जो रूट ने लगाया लगातार दूसरी शतक, टेस्ट क्रिकेट के इस रिकॉर्ड में की विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की बराबरी। बाबर आजम हुए फेल तो शादाब खान ने लूटी महफिल, पाकिस्तान ने टी20 के बाद वनडे में भी वेस्टइंडीज का किया सुपड़ा साफ। सिंगर जस्टिन बीबर में दिख रहे रिकवरी के साइन, यूके के सर्जन चार्ल्स एंजुका ने कहा जस्टिन बीबर ट्रीटमेंट से हल्के ठीक हो जाएंगे। जियो का फिल्म का नया सॉन्ग दुपट्टा हुआ रिलीज, 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। श्रद्धा कपूर के भाई पर लगा ड्रग लेने का आरोप, बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया। केको को याद कर भावुक हुए शान, ऐसा लगा कि दिल के दरवाजे पर दस्तक देकर कहा कि भाई जा रहा हूं।
तरह का कड़के ग्लैमरस और सिजलिंग लुक ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा। पति रोहनप्रीत बोले फिर से प्यार हो गया। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।